मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग फ्रॉम हल्द्वानी। यस, अभी हम लोग हैं अपनी सिटी में जिसकी है हल्द्वानी, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेरे साथ है गगन और पीछे बैठा अंकित। तो आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अंकित? छोटा कैलाश। तो गाइस हम लोग छोटा कैलाश जा रहे हैं, और छोटा कैलाश की अगर मैं रास्ते की बात करूँ तो छोटा कैलाश जाता है आपके भीमताल वाले रास्ते से, और ये HMT की कॉलोनी से अभी हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक सामने ना अंकित? हाँ सामने। तो गाइस ये रास्ता लूप भीमताल को ना जा कर जो HMT की कॉलोनी है, HMT की कॉलोनी से हम लोग जाएंगे अब ये सामने वाले रूट पे। ये देखिए रोहू। सो गाइस हमें ले लेना है छोटा कैलाश के लिए ये जमरानी वाला रास्ता। तो रोड लगभग है यहाँ पर को, और बट छोटे धाम छोटा कैलाश के लिए हमें लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। तो 3 किलोमीटर कैसा है अंकित? वो मतलब एक साइड 3 किलोमीटर ना? हाँ एक साइड 3 किलोमीटर। तो एक साइड 3 किलोमीटर है, तो वो टोटल आना जाना हमारा 6 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा आज। और खाने पीने की व्यवस्था बीच में है, रास्ते में आपको दिख जाएगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोगों को वो ट्रैक स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लगभग कितना किलोमीटर है यहाँ से? करीबन 10 से 15 किलोमीटर के बीच में वो गाँव आएगा, उस गाँव से ट्रैक स्टार्ट होता है। ओके, सो गाइस यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर पे वो एक गांव आएगा, और गांव में ही हम लोग अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क करके देन वहाँ से वो 3 किलोमीटर का ट्रैक छोटा कैलाश के लिए स्टार्ट होगा। तो फिलहाल चलते हैं अब आगे को टूवर्ड्स छोटा कैलाश। बस पहुंचने वाले हम लोग उस लोकेशन पे, और जो गांव है वो है भोरसा गांव। वहां हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और चलेंगे छोटा कैलाश की तरफ। तो आइए हम लोग चलते हैं, और पहुंचते उस लोकेशन पे अपनी गाड़ी पार्क करके देन अपना 3 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फिलहाल हम लोग जो डेस्टिनेशन थी जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी थी वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ रास्ता, तो हम लोग आ रहे हैं वो नीचे रास्ते से, एंड यहाँ से रास्ता आता है, और ये है मेन द्वार अगर आप देखेंगे आदि श्री कैलाश धाम का। और यहाँ से 4-5 किलोमीटर के बाद है आपका पिंसुला करके एक जगह है। और अगर हल्द्वानी से मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो हल्द्वानी से इसकी डिस्टेंस है लगभग 20 से 25 किलोमीटर। तो 20 से 25 किलोमीटर के बाद आपको इस जगह पर आना है, एंड यहाँ से इस द्वार से आपको अंदर हो जाना है। गाड़ी अंदर पार्क होती है, और छोटी छोटी दुकानें जहाँ से आप अपना खाने पीने का पानी की बोतलें सब ले सकते हैं। ये देखिए हमने जो है अपनी गाड़ी आगे पार्क करी है, तो आप ये देखिएगा आगे गगन और अंकित खड़े हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं, ये रहा अंकित, और ये रहा गग्गू, और ये रहा डॉगी। और ये जो रास्ता अगर आप ऊपर का देख रहे हैं वहाँ से आगे फिर वो ट्रैक स्टार्ट होता है। फिलहाल हमने चाय वाय का ऑर्डर दिया है, और चलो ऊपर चलेगा। ओए डॉगू ऊपर चलेगा हैं? ऊपर चलेगा हैं? तो बस चाय वाय पी के चलते हैं ऊपर की तरफ। तो जैसा मैंने दिखाया था आपको, कार हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, और यहाँ से हमने चाय वाय पानी वानी का सामान लेके अब इसी दुकान के सामने से अगर आप देखेंगे तो ये है रास्ता। तो हम ये वाले रास्ते से अब ऊपर को जाएंगे टूवर्ड्स छोटा कैलाश। सो डिस्टेंस की बात अगर मैं करूँ तो 3.5 किलोमीटर एक तरफ को है, एंड 3.5 किलोमीटर वापसी। तो टोटल लगभग जाएगा 7 किलोमीटर का ट्रैक छोटा कैलाश का आना जाना। सो गाइज ये अंकित क्या बोला तूने? देखो गाइज अंकित ने बोला रोड़ी डल गई है और सीमेंट भी डल जाएगा। तो हमारे व्लॉगर ये बिहाइंड द सीन्स डालेंगे हम। ये देखिए रोड़ी यहाँ भी डल चुकी है, सीमेंट यहाँ भी डल जाएगा। हाँ तो इंजीनियर साहब आगे चल रहे हैं, सीमेंट और रोड़ी ये डाल रहे हैं, लेके भी यही आ रहे हैं। बैग में डाली है उन्होंने। सो गाइस ये व्यू देखिए,
मौके पर देखिए घोड़ा तले मार रहे हैं। जय भोले की, जय भोले। वापसी मिलते हैं आपसे। अच्छा ठीक है। वो ये रास्ता लेकर के हमें कोई वो करके वो ऊपर टॉप पे चढ़ना है अगर आपको दिख रहा है, और अगर मैं नीचे दिखाऊं अगर आपको रोड दिख रही है तो वो है हेड़ा खान वाली। हेड़ा खान जस्ट के अपोजिट में है। तो हेड़ा खान की अगर मैं लोकेशन बताऊं तो ये छोटा कैलाश है, इसके ठीक पहाड़ी के पीछे साइड आपका हेड़ा खान है। तो काफ़ी पास है हम लोग हेड़ा खान वाले एरिया के, एंड वहाँ से दिखाते हैं आपको व्यू, क्योंकि वहाँ का जो 360 डिग्री व्यू है ना वो एकदम देखने लायक है। ऐसा जी देखिए, ये है हमारी पहाड़ में माताओं का कहना चाहिए शस्त्र बच्चों के लिए, इसको पहाड़ी में बोलते हैं शिशुण। और बिच्छू घास अगर आप देखेंगे जो ख़ासतौर पे अमेज़न में भी आपको देखिए वो यही है, इसको छू लो ना तो हाथ बिल्कुल सही वाला झन्ना जाता है। बट ये इलाज में भी काम आता है, अगर किसी को नमनेस है हाथों में या कहीं पे भी किसी में तो इसको बिच्छू घास का यूज़ करा जाता है, और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। सो ये है ब्यूटीफुल सा विलेज, और वो ऊपर करना है ट्रैक। सो यहाँ से अब हमें जो मंदिर का द्वार आप देख रहे हैं वहाँ से ऊपर ये ज़िगज़ैग रास्ता लेकर के फिर है चढ़ाई, और अच्छी खासी चढ़ाई होने वाली है। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं ऊपर। मौसम तेज़ धूप है, मैं आज फिर अपने स्पेक्स लाना भूल गया हूँ। सो ये है देवों के देव महादेव की आदि छोटा कैलाश धाम, पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। सो बाय रोड अगर मैं दिखाऊं तो आपको हम लोग आ रहे हैं उधर से, और पैदल की अगर मैं बात करूं तो आपको छोटा सा गांव दिख रहा होगा, इसके ठीक अपोजिट से आपने अपनी कार पार्क करी है, और वहीं से हम लोग अपना ट्रैक करके इधर को आए। बस थोड़ा सा हम लोग रेस्ट ले रहे हैं इधर। सो गाइस अब है सीधी खड़ी चढ़ाई है पूरा ऊपर तक, और बगल से देखिए क्या नज़ारे चल रहे हैं, क्या अमेजिंग व्यू है। यहाँ से भी देखिए और मेरे बगल से भी देखिए। सो गाइस अभी हम लोग रास्ते में बस जो छोटा कैलाश का मंदिर है वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये है हल्द्वानी का एरिया, और अगर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा तो वो रहा नैनीताल, और ये वाला अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये एरिया है पूरा भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल का। सो गाइस वो देखिए पहली झलक मंदिर की। थोड़ी बहुत तो थकान हो रही है, बट जो व्यूज़ है ना अगर आप ये देखिए बगल में जो व्यू हैं सारी थकान दूर हो जा रही है इससे। सो गाइस ये है मंदिर। गाइस ये अगर आपको कुंड दिख रहा है तो बताया जाता है कि ये शिवजी ने दिव्य शक्तियों से जल कुंड बनाया था, और इसका नाम पार्वती कुंड के नाम से रखा गया, और यह परम पावन स्थल दिव्य शक्तियों के केंद्र है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है माता जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर है यहाँ से अंदर जा कर के। हेड़ा खान विश्वधाम में ब्रह्मचारी महाराज थे। अच्छा। सतयुग में उन्हें दर्शन देने भोलेनाथ जी वहीं पहुँचे। अच्छा। हेड़ा खान, हेड़ा खान तो उन्होंने दर्शन दिए। उसके बाद हेड़ा खान में एक गुफा है, गुफा के भीतर को भगवान गए। हाँ। तो वहाँ से भगवान उन्हें दिखे ही नहीं। अच्छा। ब्रह्मचारी महाराज ने बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, भगवान दर्शन देने तो मानसरोवर से यहाँ पहुँचे, आप कहाँ गए। उन्होंने सोचा कि यार वो भी भक्त कम नहीं थे, उन्होंने कहा कहीं ऊंचे पर्वत में गए होंगे। वो वहाँ से पैदल पैदल चले, यहाँ से हेड़ा खान करीब 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जब वो आए भोलेनाथ जी ने मेन चीज़ ये रखी है। अच्छा।
ये हवन कुंड बनाया, दो चीजें बनाई यहाँ पे। अच्छा, ये सतयुग से आज तक ये ऐसे ही है। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे बोलते हैं छोटा कैलाश, छोटा कैलाश नहीं हुआ, ये आदित्य कैलाश हुआ, आदित्य कैलाश। इसका मतलब कोई आदि अंत ही नहीं है। अच्छा, ये तब से यहाँ पे माना जाता है। अच्छा, तो जो हैराखान मंदिर वो भी इसके ठीक नीचे ही है ना? यहाँ से आपको उधर से दिखेगा। अच्छा, एक पर्वत सामने है, यहाँ से वो सामने दिख रहा है 12 किलोमीटर दूरी में। अच्छा, वो और ये पर्वत करीब के हुए। अच्छा, तो भगवान ने उस पर्वत को इशारे से 10 इंच नीचे किया था। अच्छा, उसमें ऐसा महत्व है, जो वहाँ पे स्नान करेगा तो सारे विश्व के तीर्थ नहा दिए उस पर्वत के ऊपर। हाँ हाँ, अच्छा। वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, वही भक्त जाएगा। जहाँ पे वो मेन चीज है वहाँ से 1 किलोमीटर नीचे रोड पे धर्मशाले बने हैं, वहाँ पे नहाने का स्थान बना है। अच्छा, ये हुआ मीन। वो कौन सी रोड हुई पंडित जी? वो खंसू को गई। अच्छा, खंसू वाली रोड। हाँ, ये वाली आपको यहाँ से हिमालय दिखेगा अभी कहीं। अच्छा, वो दिख गया। हाँ, तो मतलब केवल हिमालय ऊंचाई में है यहाँ से, और सारे पर्वत नीचे में। अच्छा, ये नैनीताल दिखेगा, वो पर्वत आप सोचोगे ऊंचे में है, कोई एक पर्वत ऊंचे में नहीं हो, सब नीचे है, सब नीचे। अच्छा, यहाँ को भी घुमाना, इसमें शिवरात्रि को 24 घंटे यज्ञ होता है। अच्छा, इस कुंड में। हाँ, ये दिया जो है इसमें शिवरात्रि को 108 बत्तियों का दिया जलता है। अच्छा, और चलिए। सो गाइस, जैसा कि आपको पंडित जी ने बताया, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और उसी जगह पे अभी हम लोग जाएंगे, तो वहाँ से हैराखान मंदिर दिखता है। तो अब आपको पता चली होगी इस मंदिर की मान्यता इतनी क्यों है, क्यों इसको माना जाता है। सो गाइस, वहाँ कहीं है मंदिर ऊपर टॉप में, और उसके बगल से देखिए जो व्यू है, ये देखिए गाइस। और मैं बात कहूँ तो वो देखिए, वो रहा हैराखान मंदिर का परिसर। अगर आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा पुराना व्लॉग देखिएगा, उसमें पूरा वीडियो आपको दिख जाएगा। वो है हैराखान मंदिर का परिसर, और मंदिर जो है वो इस तरफ को है। तो अब हम लोग जाएंगे आगे को।